दोस्तों, बीते समय में खेल जगत में कई महिलाएं उभरकर सामने आई। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं समाज की सारी बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, हिना सिद्धू भी उन्हीं महिला खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने शूटिंग के क्षेत्र में बेहद अहम मुकाम हासिल किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको हिना सिद्धू की इंस्पायरिंग कहानी के बारे में बताएंगे। आखिर कैसे पंजाब की हिना ने शूटिंग के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिना सिद्धू एक प्रसिद्ध शूटर है जिन्होंने भारत को शूटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का योगदान दिया है। दोस्तों, हिना का जन्म 29 अगस्त 1989 को पंजाब राज्य के लुधियाना में हुआ है। हिना अपनी नानी के घर पैदा हुई लेकिन उनका घर पटियाला में है। हिना को शूटिंग का गुण विरासत में मिला जहां उनके पिता रणवीर सिंह नेशनल शूटर थे और उनके चाचा बंदूक की सफाई का काम करते थे। यही वजह थी कि बचपन से सिद्धू का परिचय बंदूकों से होता रहा। घर में शूटिंग कल्चर होने के कारण बचपन में हिना को खिलौने वाली बंदूक खेलने के लिए दी जाती थी। जब हिना 6 साल की थी तब उन्होंने पहली बार अपने चाचा से बंदूक चलाने की इच्छा जाहिर की। वह गन इंद्रजीत के पास रिपेयर होने के लिए आई थी। इच्छा जाहिर करने के बाद चाचा ने हिना को बंदूक थमा दी। शूटर के परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद हिना बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन बचपन से उन्हें शौकिया तौर पर बंदूक चलाना बेहद पसंद था। तब हिना को इस बात की खबर नहीं थी कि एक दिन वो विश्व की नंबर एक शूटर बनेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि हिना ने साल 2006 में शूटिंग के क्षेत्र में एंट्री मारी। अपने प्रदर्शन के चलते वो पटियाला क्लब की सदस्य बनी। साल 2009 में हिना ने बीजिंग में हुए ISSF वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया जहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीतते हुए अपने कैरियर की शुरुआत की। वहीं साल 2010 में हुए एशियाई खेलों में हिना ने 10 मीटर एयर पिस्टन प्रतियोगिता में सिल्वर जीता। उसी साल हुए राष्ट्रमंडल खेलों में हिना ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं साल 2012 में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिना ने देश का प्रतिनिधित्व किया जहां वो टॉप 12वें स्थान पर रही। दोस्तों, साल 2013 में हिना सिद्धू ने म्यूनिक में हुए ISSF खेल में हिना ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी। वहीं साल 2016 में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिना ने एक बार फिर हिस्सा लिया। हालांकि उस साल उनके हाथ कोई मेडल नहीं लगा। वहीं साल 2016 में हिना काफी सुर्खियों में रही। दरअसल उस साल तेहरान में एशियाई एयर गन चैंपियनशिप होने वाली थी जिसमें सभी खिलाड़ियों के लिए हिजाब पहना अनिवार्य था। इस नियम के चलते हिना ने खेल से अपना नाम वापस ले लिया। वहीं आपको बता दें कि साल 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेम में हिना ने हिस्सा लिया जहां उन्होंने 10 मीटर पिस्टल राइफल में सिल्वर मेडल जीता। वहीं 25 मीटर में हिना ने गोल्ड मेडल जीतकर 50 शॉट्स में से 38 बार लक्ष्य को मारकर रिकॉर्ड बनाया। हिना देश की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने शानदार प्रदर्शन के लिए हिना को साल 2021 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।